अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को शाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE ने देश के बादाम कारोबारियों के साथ बादाम के वायदा को लेकर महत्वपूर्ण सेमिनार किया। इस सेमिनार में देश के जाने माने बादाम कारोबारियों, बादाम आयातकों ने हिस्सा लिया। सेमिनार की अध्यक्षता BSE के रीजनल हेड राजीव गर्ग ने की और मुंबई ऑफिस से रणजीत सिंह ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर बादाम कारोबार से जुड़े 100 से ज्यादा कारोबारियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर और देश के दूसरे हिस्सों से भी बादाम के कारोबारी बादाम कारोबार में हो रहे बदलाव के साक्षी बने। दरअसल BSE दुनिया की पहली ऐसी एक्सचेंज है जिस पर बादाम का वायदा कारोबार होता है। यहाँ तक बादाम की सबसे ज्यादा पैदावार और कारोबार अमेरिका में है, लेकिन वहां भी बादाम को टर्मिनल ट्रेड पर जगह नहीं दी गई है। गौरतलब हो कि बादाम में भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बनकर उभरा है। देश में करीब 11,000 से 12,000 कंटेनर हर साल आयात किए जाते हैं। करीब 2,50,000 टन बादाम का आयात अमेरिका से होता है और देश में सालाना 10% से बादाम के आयात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही तेजी मंदी से कारोबारियों, आयातकों को मंदी तेजी से निपटने का कोई साधन नहीं था, जिसे हेजिंग टूल के तौर पर BSE ने बादाम कारोबारियों के लिए टर्मिनल ट्रेड के जरिए मुहैया करवा दिया। आपको बता दें कि SEBI से शेयर बाजार एक्सचेंज में काम करने वाली एक्सचेंजेस को कमोडिटीज में काम करने की अनुमति मिलने के बाद से BSE के MD और CEO आशीष चौहान BSE पर एग्री कमोडिटीज में पारदर्शी और कारोबारियों के हित में काम करने वाले एक्सचेंज के तौर पर प्रस्तुत करने के संकल्प को लेकर कई एग्री कमोडिटीज को लॉन्च कर चुके हैं। फिलहाल BSE सोना, हल्दी, कॉटन और बादाम में बेहतरीन काम कर रही है। BSE के बिजनेस हेड समीर पाटिल ने BSE पर नए कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे BSE पहले से मौजूदा कमोडिटी एक्सचेंजेस को टक्कर देने में कामयाब हो रही है। वहीं समीर पाटिल ने बादाम कॉन्ट्रैक्ट की कमेटी बनाई, जिसमें हाजिर बाजार के कारोबारियों और खास जगह दी गई और उनके परामर्श और दिए सुझावों पर बादाम के कॉन्ट्रैक्ट को सुविधाजनक बनाया और लॉन्च भी किया। आपको बता दें कि BSE पर करीब 100 टन बादाम का ट्रेड हर रोज हो रहा है, जो शुरुआती दौर का अच्छा कारोबार माना जा रहा है। हाजिर बाजार के बहुत से कारोबारी पहले से ही BSE के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और अन्य कारोबारियों को भी बादाम में हेजिंग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कार्यक्रम में बादाम के जाने माने कारोबारी राजू भाटिया ने कहा कि बाजार में तेजी मंदी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए BSE का हेजिंग टूल लाभदायक है। साथ ही भाटिया ने कहा कि बादाम कारोबारी इस कारोबार में नए हैं और BSE की तरफ से अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग सेमिनार की व्यवस्था होगी तो कारोबार ज्यादा से ज्यादा इसमें रुचि लेंगे। साथ ही ओजोन प्राइवेट लिमिटेड के रविंद्र मेहता ने हाजिर बाजार में कारोबारियों को आ रही दिक्कतों के बारे में BSE की टीम को बताया। साथ ही दिल्ली में वेयर हाउस की व्यवस्था करने का आग्रह भी BSE को किया, ताकि दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा कारोबारी बादाम के कारोबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सके। हाजिर बाजार के जाने माने कारोबारी कंवरजीत बजाज ने भी कारोबारियों को कहा कि BSE के टूल का कारोबारी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करके बड़े नुकसान से बच सकते हैं, साथ ही मंदी तेजी की परेशानी से भी बचा जा सकता है। अगर कारोबारियों की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर बादाम का कारोबार नई दिशा में काम करेगा। वहीं शिराज इंटरनेशनल के मानक अरोड़ा ने भी BSE के हेजिंग टूल की सराहना की और कारोबारियों को ज्यादा से ज्यादा हेज करने की सलाह दी। अरोड़ा ने कहा कि अगर आप 100 रुपए का कारोबार करते हैं तो आपको अपने 10 रुपए के कारोबार को हेज करने से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे चले और समझे और फिर उस पर ट्रेड करें। हाजिर बाजार के कारोबारियों को कारोबार में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए और कारोबारियों को हर सुविधा मिल पाए, इसका आश्वासन CPAI के अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा ने दिया। सुरेश अरोड़ा ने कहा कि बादाम कारोबारियों को किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट को समझने और कारोबार
व्यापार करने में अगर समस्या आती है तो वह और उनकी एसोसिएशन सदैव हाजिर बाजार के कारोबारियों के साथ है। सुरेश अरोड़ा ने कहा कि हाजिर बाजार के कारोबारियों को CPAI का हिस्सा बनने का भी न्योता दिया ताकि हाजिर बाजार और ब्रोकर्स के बीच एक समानता पैदा हो सके और वह एक दूसरे का हाथ बनकर रेगुलेटर को और सरकार के समक्ष अपनी बात को मजबूती के साथ रख पाए। CPAI की ताकत को और मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र के हाजिर बाजार की एसोसिएशन को उन्होंने साथ आने की बात भी कही। BSE के राजीव गर्ग ने कहा कि एक्सचेंज सदैव कारोबारियों के हित के लिए खड़ी है। कारोबारियों को कॉन्ट्रैक्ट में या कारोबार में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो एक्सचेंज की तरफ से ट्रेनिंग मार्गदर्शन तो किया ही जाएगा, साथ ही कारोबारी अपने सुझाव भी हमें सीधे दे सकते हैं। बादाम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए हाजिर बाजार के कारोबारियों को साथ लेकर चलना ही अपने आप में ये दर्शाता है कि एक्सचेंज कारोबारियों के साथ सदैव खड़ी है। वहीं BSE के रणजीत सिंह ने कहा कि एक्सचेंज की रियलिटी इसी बात से जाहिर होती है कि एक्सचेंज 147 साल पुरानी है और बादाम के कारोबारियों की 100 से ज्यादा की शिरकत अपने आप में इस विश्वसनीयता पर और मोहर लगाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर बादाम के कारोबार पर नजर डाली जाए तो आने वाले समय में देश में बादाम के कारोबार में उछाल देखा जा रहा है। ये उछाल उपभोग की तरफ से भी देखा जा रहा है और दूसरे बढ़ते उपभोग को देखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कीमतों पर भी इसे देखा जा रहा है। कारोबारियों का मानना है कि बादाम की नई फसल आने तक सौदा $1.60 से $1.80 के बीच रह सकते हैं और सितंबर के बाद से कीमतों में उछाल संभव है और कीमतें $2 के स्तर को पार कर सकती है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।